दोस्तों, कभी आप लोगों ने गूगल असिस्टेंस और गूगल वॉइस टाइपिंग जीबोर्ड का तो यूज़ किया होगा, लेकिन कभी आपने गूगल वॉइस एक्सेस का यूज़ किया है? अगर नहीं किया है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल वॉइस एक्सेस होता क्या है और इसको दोस्तों अप्लाई किस तरह से किया जाता है, इसकी अप्लाई करने की पूरी सेटिंग्स बताऊंगा और दोस्तों लास्ट में बताऊंगा इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। आपको दोस्तों सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि गूगल एक्सेस होता क्या है। अगर दोस्तों हम बात करेंगे कि गूगल असिस्टेंस और गूगल जीबोर्ड की, तो आप कहोगे कि गूगल असिस्टेंस ऐसा फीचर है जिससे अगर हम अपने माइक पर बोलते हैं एंड वो गूगल पर सर्च कर लेता है एंड आपको विकिपीडिया में भी बता देता है कि ये चीज़ ये क्वेश्चन का आंसर बता देता है। लेकिन अब बात करेंगे गूगल जीबोर्ड टाइपिंग होती क्या है, कि आप बिना इंटरनेट के भी अपने मोबाइल में कोई भी टाइप कर सकते हैं, अपने माइक को खोलकर एंड बोलकर वही टाइप हो जाता है। कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, सभी लैंग्वेज में, इंटरनेशनल लैंग्वेज में कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज चलेगी। एंड दोस्तों यहाँ पर अब बात करते हैं कि गूगल एक्सेस वॉइस एक्सेस होता क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों वॉइस एक्सेस का मतलब है कि अगर आपको अपना फ़ोन कंट्रोल नहीं करना है अपने हाथों से एंड आप कंट्रोल करना चाहते हैं सिर्फ अपनी वॉइस से, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी वॉइस से कंट्रोल कर पाएंगे, आप कोई भी आपका फ़ोन अपनी वॉइस से एक्सेस कर सकता है। अगर दोस्तों आप लोगों को गूगल वॉइस एक्सेस को डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर सर्च करना है आपको गूगल वॉइस एक्सेस एंड फर्स्ट एप्लीकेशन आएगा, इसको दोस्तों आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है बताता हूँ गाइस। अगर ये ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाता है, इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों इस ऐप को आपको ऑन करना है एंड इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है एंड इसके बाद थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करिए, आप जाइए वॉइस एक्सेस पर एंड इसे इनेबल करिए, ओके करिए एंड इसके बाद आपको यहाँ पर आ जाएगा एक वॉइस एक्सेस का आइकन, इस पर आपको क्लिक करना है एंड इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो वॉइस एक्सेस है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे इस एप्लीकेशन को इनेबल करने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस ने ज़्यादा तो नहीं, आप बस अपने फ़ोन को वॉइस एक्सेस के द्वारा ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं, यूट्यूब को खोल सकते हैं, व्हाट्सएप को खोल सकते हैं, फेसबुक को खोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो काफ़ी सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे गाइस अब यूट्यूब में शॉर्ट्स का डिसएडवांटेजेस आपको देखने को मिलता है, जब आप कोई भी शॉर्ट्स को ओपन करते हैं एंड उसको देखते हैं तो यहाँ पर आपका स्वाइप अप करने का बटन आ जाता है जो हाइड नहीं होता एंड आपको क्लियरली दिखाई देता है, और पुश करने का बटन भी आपको क्लियरली दिखाई देता है। और एक और डिसएडवांटेजेस है जो कि दोस्तों आपका बैटरी का डिसएडवांटेजेस है, आपकी तेज़ी से बैटरी डाउन होगी। एंड यहाँ पर एक और डिसएडवांटेजेस है, ये इंटरनेट का डिसएडवांटेज, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट को खर्च करेगा ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में। और एक और डिसएडवांटेजेस है इसका दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इस एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं एंड आप वॉइस एक्सेस को ऑन किए हैं, तो अगर आप कभी भी फ़ोन को नहीं चला रहे हैं एंड कुछ भी बोल रहे हैं तो यहाँ पर ये आपका कैच कर सकता है और आपका क्या पता कोई व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड भी कर दे, तो ये भी हो सकता है। इसके लिए आपको इस ऐप को यूज़ करना नहीं चाहिए, वैसे तो मैं ये बताता हूँ दोस्तों। केवल दोस्तों आप एक दो दिन के लिए इसको फ़न के रूप में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप जितने टाइम यूज़ करना चाहें उतने टाइम के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर हम एक और डिसएडवांटेजेस की बात करें जो कि हमारा लास्ट डिसएडवांटेजेस है, वो है दोस्तों रिकॉर्डिंग का एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग का डिसएडवांटेजेस। अगर हम इसको ऑन किए हैं एंड रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारी जो वॉइस है वो रोबोटिक टाइप में बदल जाती है और इतनी बेकार वॉइस आती है कि आपको दिखेगा ही नहीं, कुछ पता नहीं चलेगा। ये मैंने रिकॉर्ड करके भी देखा है दोस्तों, और आप लोग भी सुन सकते हैं इसको। एंड यहाँ पर ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस। अब मैं आपको बताऊँगा कि इस ऐप का अगर आपको यूज़ करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। ओनली दोस्तों मैं तो बताऊंगा कि आपको फ़न के रूम में इस ऐप का एप्लीकेशन का यूज़ करना है, और वैसे अगर आप डेली में करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी मैं सजेशन नहीं दूंगा इस ऐप का आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस ऐप में आपका ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट जाएगा और ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम मिलेगी, लैग भी कर सकता है आपका फ़ोन। सो आप इस ऐप का यूज़ ना करें तो बेटर है। अगर आप सोच रहे हैं कि यूज़ करेंगे तो कर सकते हैं, फ़न के रूम में यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल दोस्तों। कभी ना कभी अगर आपको अपने फ्रेंड्स को बताना है, मैजिक बताना है, तो कर सकते हैं दोस्तों। आज की वीडियो अगर मेरी आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।